In a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. समझे ध्यान से, समझ लो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और ये दूरी 600 किलोमीटर। पॉइंट मान लेते हैं, यू कैन टेक पॉइंट ए। जहाज को यहां से यहां तक 600 किलोमीटर जाना है, लेकिन तभी बीच में भाई मौसम थोड़ा खराब हो गया, मौसम खराब कर दिया मैंने। क्या बोला, जहाज ने अपनी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर से घटा दिया। अभी नॉर्मल जहाज की स्पीड थी एक्स किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर जहाज की स्पीड 200 कर दी है तो अभी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 200। और टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये 600 अपॉन में एक्स माइनस 200। इतनी बात क्लियर। टाइम ऑफ द इंक्रीज बाय द 30 मिनट। इसका मतलब अगर हम यहां करें, अगर यहां पे टाइमिंग की बात करें, टी टू की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, 600 अपॉन में एक्स। क्लियर। दोनों में से बड़ा कौन है, टी वन या टी टू, सॉरी अगर जहाज की स्पीड बढ़ाओगे, जहाज की स्पीड बढ़ाओगे तो टाइमिंग कम लगेगा, लेकिन जहाज की स्पीड घटाओगे तो टाइमिंग, तो यहां पे जहाज की स्पीड कम कर दिए ना, जहाज की स्पीड कम तो टाइमिंग ज्यादा लगेगा ना। इसका मतलब यहां पे आपका क्या है, टी वन इज ग्रेटर देन टी टू। क्लियर है। तो आप क्या करोगे, टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू कितना बोला है, 30 मिनट, मिनट को आवर में चेंज करिए, 30 अपॉन में 60। हमारा टी वन क्या है, 600 अपॉन में एक्स माइनस 200 देन माइनस 600 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2। क्लियर। 600 कॉमन, दिस विल बी 1 अपॉन में x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1/2। इसके आगे सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी x इन ब्रैकेट x माइनस 200, यहां पे जगह x माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस 200। ओके, इसे बिग ब्रैकेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2। दिस इज योर 600 प्लस x माइनस x गॉट कैंसिल। ओके, तो यहां लेफ्ट साइड में क्या बचा, 600 मल्टीप्लाई 200, इस 2 को उठा के दे ले आओ, और ये राइट साइड जगह ये हो जाएगा x इंटू x, x स्क्वायर माइनस x इंटू 200x, इसे मल्टीप्लाई कर दे, 6 2 जा 2 2 जा 24, और 1 2 3 4 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200x। ऐसा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 200x, इसको उस साइड ले जाएंगे, दिस विल बी माइनस 24000 इक्वल टू, अब इस नंबर को दो नंबर में स्प्लिट करेंगे और डिफरेंस कितना होना चाहिए, माइनस 200। तो हम लोग क्या ले लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 600 प्लस 200x माइनस 24000 एंड 0 इक्वल टू 0। यहां से यहां से x कॉमन लेंगे, दिस इज x माइनस 600 देन 400 कॉमन x माइनस 600 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 600 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 400 इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू कितना गया, 600, और एक्स इज इक्वल टू कितना गया, माइनस 400, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जहाज की स्पीड, एरोप्लेन की स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू 600 किलोमीटर आवर। हर क्वेश्चन में आपसे जहाज की स्पीड पूछता था, जहाज की स्पीड ऐसा निकाल, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि उसका शेड्यूल टाइम क्या, वो कितने देर में जहाज लेके पहुंचेगा। ओके, चेक देख लीजिए, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 600, स्पीड कितना है 600 का, कट दिए आंसर है 1 आवर। इसका मतलब अगर वो 600 की स्पीड से जाता है तो उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 1 आवर्स का टाइम लगेगा। ओके, राइट।